हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द फैशन गर्ल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्यारे होंगे, स्वस्थ होंगे, पूरा परिवार मेरा काफ़ी खुशहाल होगा। सो गाइस, आज के दिन की शुरुआत करेंगे एक सुविचार के साथ। तो कहते हैं ना कि जैसे आपके दिन की शुरुआत होती है पूरा दिन वैसा ही जाता है, तो आज के दिन की शुरुआत करेंगे एक सुविचार के साथ। तो आइए देखते हैं आज का सुविचार क्या है। दोस्तों, अपनी लाइफ में जब भी हम कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं या कुछ अच्छा करना चाहते हैं जो लोगों की नज़रों में अच्छा नहीं होता पर आप उसको करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि हर इंसान सोचता है कि उसका दो पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। तो आप हमेशा पॉजिटिव लेकर ही चलें, क्योंकि कहते हैं ना, क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। जी हाँ, अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि लोगों के बारे में आप क्या ही सोच के कर लेंगे। आप अच्छा करेंगे तो भी लोगों को कहना ही है, और आप बुरा करेंगे तो भी कहना ही है। ये चार लोग चार दिन की बातें, चार दिन की ही बातें रह जाती हैं। आपकी लाइफ है, आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है। और कुछ भी करने से पहले अगर आपको अंदर से ऐसा फील आता है कि आप कर सकते हो, या आपको लग रहा है ये ठीक है अच्छा है, तो आप ज़रूर करें। और बुरा होगा अच्छा होगा जो भी होगा, तजुर्बा आपके पास ज़रूर होगा। तो ये सोचकर कभी ना डरें, कभी ना रुकें कि इसको करने से क्या होगा कैसा होगा। जब भी हम लोग कुछ भी नया करते हैं तो अपने मन में बहुत सी चीज़ें आती हैं कि ऐसा बुरा हो जाए, उसका निगेटिव पॉइंट भी आता है। तो दोस्तों, अपनी लाइफ में कभी भी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है, क्योंकि कुछ भी बुरा सोचना नहीं है। क्योंकि कुछ भी आप करेंगे तो उसमें कुछ नहीं होगा, तो तजुर्बा तो आपके पास ज़रूरी होगा। और कभी भी अगर आप रुकें थमें तो याद रखें ये लाइन, क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा, मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर चाय नाश्ता हो चुका है और मैं बनाने जा रही हूँ। खाने की तैयारी हो रही है, पोहा मम्मी जी ने बनाया था, तो अभी चाय और पोहा खा चुके हैं हम लोग, तो अभी तैयारी कर रहे हैं खाने की। और आज मैंने पहनी हुई है साड़ी, ससुराल में पहली बार मैं साड़ी पहन के इतना काम कर रही हूँ। मतलब पहले आई थी तब साड़ियाँ पहनी थी, बट तब ऐसे किचन में काम नहीं करना था। और अभी ये पूरा प्रॉपर इस तरीके से काम मैं साड़ी पहनकर पहली बार कर रही हूँ। बहुत ही लाइट वेट साड़ी है ये सिफॉन में, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बट स्टिल, क्योंकि अभी हैबिट नहीं है, साड़ी पहनने की भी नहीं हैबिट है और साड़ी पहन के काम करने की भी हैबिट नहीं है, सो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था। क्योंकि थोड़ा बार बार पल्लू संभालना पड़ता है काम करते हुए, और जबकि बहुत ही लाइट वेटेड ये सिफॉन में साड़ी है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने वेयर किया था आज, और इसको पहन के पहली बार मैंने काम किया, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट अच्छा लगता है कभी कभी पहनना। और सूट ही पहन रही थी तो मैंने सोचा आज साड़ी पहनते हैं। सो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए, यहाँ पर हो चुकी है हमारी दाल रेडी, और इसको मैं निकाल लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर बन रहे हैं चावल, और उधर बना रही हूँ सब्जी। और साड़ी का पल्लू तो मैं बार बार ही संभाल रही थी, क्योंकि ये बहुत ही मतलब स्लिप होता है, अभी मुझे हैबिट नहीं है बिल्कुल भी काम करने की, और साड़ी पहन के काम करने की तो बिल्कुल भी हैबिट नहीं है। देखिए, मैं उसको पकड़ के ही जो है, क्योंकि सूट पहनना स्टार्ट हो गया तो सूट में बहुत ही कंफर्टेबल होता है, और साड़ी पहन के कभी काम नहीं किया, सो धीमे धीमे हैबिट पड़ेगी। और अच्छा लग रहा था, पहना था। सो अभी तैयार हो रही है हमारी सब्जी। और गाइस, इसके पहले मैंने शादी के, हल्दी के, मेहंदी के सारे वीडियोस अपडेट किए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जाकर चेकआउट करें, वीडियो देखें। जो भी हल्दी सेरेमनी, मेहंदी सेरेमनी और शादी से रिलेटेड सारे वीडियो मैंने अपडेट किए हैं, और उसके बाद के भी वीडियोस अपडेट हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और जाकर उन वीडियोस को भी देखें।
और देखिए यहाँ पर हो चुकी दाल रेडी और इसको मैंने यहाँ पर छौंक लगा दी है। सो कुछ इस तरीके से ही आज का दिन हो रहा था और फिर उसके बाद मैं सारा काम कंप्लीट करके लंच करके हम लोग सो गए थे। ये जो क्लिप है ना, ये इवनिंग का है। मैं सो के उठ के आई थी 5 बजे, चाय बनाने जा रही थी। तो देखिए आपको यहाँ पर फेस हल्का सा पफी लग रहा होगा क्योंकि मैं सो के उठ के आई थी किचन में और अभी 5 बजे समथिंग तो चाय बनानी थी, तो मैं जा रही थी चाय बनाने। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से साड़ी दिख रही थी, पूरा लुक ऐसा था। और यहाँ पर हो गई रेडी चाय, उसके बाद हम लोगों ने शाम को चाय पी सभी लोगों ने साथ में बैठ के। वहाँ का क्लिप मैंने नहीं लिया, वहाँ पर पापा जी, चाचा जी, मम्मी जी सभी लोग बैठे थे। सो चाय वाय पी के हम लोग गए ऊपर और ये रहे हमारे रोमन, जो कि जिनका खाना ना मम्मी जी ऊपर रखाती हैं पर वो खाता नहीं है, जब मम्मी जी होती हैं तभी खाता है। तो अभी शाम के टाइम जब मैं और मम्मी जी ऊपर गए तो मम्मी जी खड़ी हुई थी तब वो खा रहा था, और अगर वो चली जाएंगी तो वो नहीं खाता, छोड़ देता है, वैसे ही रहता है जब तक मम्मी जी या ठाकुर साहब जाएँ, वो खड़े हों, कोई भी मतलब हो। अभी मुझे तो वो नहीं जानता और मैं जाती भी नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा डर लगता है, और मम्मी जी और ठाकुर साहब ही जाते हैं तो तब जब वो खड़े होते हैं तभी खाना खाता है वो। सो सुबह से देखिए उसने नहीं खाया, अभी हम लोग मैं और मम्मी जी ऊपर गए हुए थे तभी उसने अपना पूरा खाना फिनिश किया। सो यहाँ पर शाम के टाइम कुछ ऐसे मैं ऊपर आई, थोड़ा सा टहला, उसके बाद नीचे गई। सो आज के लिए गाइस इतना ही। ब्लॉग आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।